आप सभी लोगों का हमारे समाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एस्पेरिगस फन के बारे में डिटेल दूंगी, जिससे कि आप लोग के एस्पेरिगस से जो कुछ लोगों के कहते हैं हमारे एस्पेरिगस सूख रहे हैं और एस्पेरिगस में किस तरह से डिवाइड करें, ये मैं सब डिटेल में आज बहुत अच्छे से बता दूंगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो भी कमेंट्स आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं बहुत ईजिली दूंगी। देखिए, ये मैं मार्केट से लेके आई थी, काफ़ी दिन से ये मेरा इसमें लगा हुआ है। छोटा सा पॉट था और दिखा दूँ मैं आपको, देखिए कितना छोटा सा पॉट है, इतना सा पॉट में ये लगा हुआ है। अब इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो मैं इसको, इसकी रूट्स बाउंड हो रही है, इसलिए मैं अब इसको चेंज करने भी बताऊंगी और इसकी बारे में आपको कुछ जानकारी भी देती रहूंगी, जिससे आप अपने घर में इसको लगा सकें। ये बहुत अच्छा ग्रोइंग और बहुत अच्छा ग्रीन फैलाने के लिए गार्डनों में, पार्कों में आपने देखेंगे इसके टच बने होते हैं, किसी का गुड़िया बनाया जाता है, घोड़ा बनाया, हिरन बनाया जाता है, इस तरह से लोगों को इन्हीं बेलों से बनाया जाता है और उसको सेप दिया जाता है। बेहद खूबसूरत और बहुत बुशी होते हैं, बढ़ते बहुत जल्दी से हैं और बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो ये सिर्फ आपको विंटर में कम ग्रोइंग कम रहती है इनकी, कि डोरमेंसिन का पीरियड होता है उनका, और फिर उसके बाद आपको समर में और आपको रेनी सीजन में ये बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ लेते और बहुत जल्दी बढ़ने वाले प्लांट हैं। एक प्लांट से कई प्लांट आप बना सकते हैं बहुत इजीली, इनकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। आप इतनी सी भी कटिंग इनकी लगाएंगे तो बहुत इजीली ये नॉर्मल सॉइल में लग जाएगी। तो आप किसी भी सीजन में इसको लगा सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा सीज़न नहीं है। आपको बस इसकी थोड़ी सी फर्टिलाइज़र और केयर की थोड़ी ज़रूरत है और आराम से ये हमारे घर में बहुत अच्छे से केयर उनकी ग्रोथ होती है। तो देखिए, ये बहुत बुशी प्लांट होता है, इनको जितनी आप इसको कटिंग करते रहेंगे इस तरह से कटिंग अगर करते रहेंगे ये बहुत अच्छे से लग जाती हैं। और इसमें आप जरा से, इसमें बल्ब की टाइप में होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी और किस तरह से इसको पॉट से चेंज करें ये भी मैं बहुत इजीली दिखा दूंगी आपको। तो ये हमारे यहाँ बुके में उसमें लगाए जाते हैं, आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, चाहे ग्राउंड में लगा सकते हैं। चलिए आपको मैं इसको डिवाइड करते भी जाऊँ, आपको बातें इसकी बताते भी जाऊँ। तो सबसे पहले आपके पास अगर लेके आए हैं, छोटे पॉट में हैं, अगर आपकी लीव्स पीली पड़ रही हैं तो वाटरिंग ओवर वाटरिंग से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है कि ये पानी अब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हैं, मगर इतना कीचड़ जैसा ना बनाइए जो हमारे पेड़ ख़राब हो जाए। तो जब अगर पीली हो रही हैं और आपकी शेडी एरिया में रखे हैं, कम हल्की धूप लग रही है इसमें, तो सर्वाइव करता रहेगा। अगर डार्कनेस रख दिए, जगह पर रख देंगे तो नहीं जल्दी से सर्वाइव करेगा। तो ये मेरे सबसे ज़्यादा इसका कारण है कि मेरा ये प्लांट अब बड़ा हो रहा है और इसकी रूट बाउंड हो रही है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए गमले में से निकालने से पहले आप इसको उल्टा कर दीजिए गमले को और फिर इधर उधर से कुछ पत्थर हाथ से मारिए तो ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं। मैं इसको पहले से निकाल के रखी हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैं धीरे से, देखिए ये देखिए मैंने इसको गमले को उल्टा किया है और उससे मैंने ये निकाल के रखे हैं और देखिए इसकी रूट्स देखिए किस तरह से इसमें बाउंड हो गई है और कितनी सारी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने इस पर मिट्टी में रख दिया, देखिए तो देखिए इस तरह से इसकी रूट्स कितनी सारी हो गई हैं और देखिए इसमें छोटे 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 ये देखिए अब इनको जगह नहीं मिल रही है बढ़ने के लिए, तो ये अपनी लीव्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कैसे बढ़ेगी। तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगी तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, अगर इनके ये बल्ब टूट भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप अच्छे से इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसी चाकू से या किसी की मदद से इनको आप अलग से काट दीजिए और बहुत ईजिली बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको इनको अपने नाइफ से ऐसे कट करके इसको आपको दिखा रही हूँ अभी, कि मैंने इसे चाकू से अलग अलग कर लिया है। तो ये मेरे दो पार्ट हो गए, अगर चाहूँ तो मैं इसको फोर पार्ट्स में बना सकती हूँ, मगर इतना मैं अभी छोटा नहीं करूँगी, थोड़ा बुशी रहेगा तो अच्छा लगता है और ये बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाता, बहुत जल्दी आपके ये गमले में लग जाएंगे और ये अपने रूट अगर ज़्यादा बड़े गमले में लगाएंगे तो उसी हिसाब से और अच्छे बुशी होगा। तो मैं अभी छोटे छोटे गमले में लगा दूंगी, फिर उसके बाद मैं चेंज कर, देखिए इनके ये सब देखिए बल्ब होते कितने सारे, इनको जगह नहीं मिल रही थी ये अच्छे से बढ़ने के लिए और
इनकी रूट्स को भी जगह नहीं मिल रही थी, तो देखिए अब ये मैं इनको चेंज कर दूंगी अच्छे से। और देखिए कितनी सारी इसकी रूट्स निकल आई हैं, देखिए ये सब। देखिए इनको थोड़ा सा मिट्टी से हिला दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी कम हो जाएगी इसमें से। फिर आप जब अपनी गार्डन मिट्टी, मैंने तैयार करके रखी है, इसमें मैंने 50% अपनी गार्डन मिट्टी ले ली है, 20% मैंने इसमें रिवर सैंड मिला ली है, और कंपोस्ट खाद और थोड़ा सा नीम खली मस्टर्ड खली मिला के मैंने इसको तैयार कर लिया है। देखिए अब मैं, देखिए ये सब मैंने इनकी थोड़ी सी मिट्टी हिला दी है, एक हाथ से थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस तरह से। आप किसी भी तरह से कोई दड़िए मत, आराम से ये हो जाएगा आपका काम, और इससे बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत अच्छे प्लांट होते हैं। आप चाहे इसको छोटे से भी रखिए, चाहे इसको बढ़ाइए, खूब अच्छे से बुशी बनाइए, या किसी कार्टून या उसके शेप में बना लीजिए। एक आम औरत कीजिए, जब आप कोई पॉट तैयार करें तो उसके नीचे आप ड्रेनिंग होल जरूर अच्छा हो उस पर ये ठिकरी टाइप में ये लगा लीजिए। आप देखिए इतना बड़ा मेरे पास पॉट है, तो मैंने ठिकरी लगा ली, उसमें मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर दूँगी सब में अच्छे से। दिखा दूँ मैंने, देखिए इसमें कोकोपीट भी मिला ली है। जितनी अच्छी जब बना लगाने के टाइम अच्छी सी खाद अगर डाल देंगे आप, तो आपका पेड़ बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और लिपके फर्टिलाइज़र आपको देना हो तो हर 15 दिन में हर पेड़ को देते हैं, इसको भी देते रहिए। और कंपोस्ट खाद या आप कोई सी भी खाद अपने घर में या लीव्स वाली बनाते हो उसको देखिए इस तरह से, बस कुछ नहीं करना, आराम से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा बुशी प्लांट होगा। और देखिए मैं सारी खाद मिट्टी इसमें अच्छे से भर दे रही हूँ, देखिए ये ऐसे पूरा भरने के बाद आप ड्रेनेज होल का जरूर ध्यान रखिएगा, इसको मिट्टी अच्छी मिलनी चाहिए थोड़ी सी, तो इससे ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, ग्रीन इसकी लीव्स होंगी। हाँ, इसका मैं आपको वाटरिंग का टाइम बता दूँ। वाटरिंग आप इसको ऐसे करते रहिए कि जैसे कि इसमें नमी बनी रहे, वेल डेंट इसकी सॉइल होनी चाहिए, इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे ये बढ़ने के लिए इसको पानी की ज़रूरत बहुत है। अगर आप इसको बिल्कुल डार्कनेस की जगह रख देंगे, मेरा ये तैयार हो गया, अब मैं इसमें पहले दिन जब डालूंगी तो मैं वाटरिंग अच्छी सी करूंगी। देखिए कितने छोटे से पॉट में लगा था और इसकी रूट बाउंड हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब देखिए इसको इस तरह से मैं दोनों गमले तैयार कर लूँगी। और इसकी वाटरिंग की मैं बात करूँ, आप वाटरिंग इसकी जब ड्राई हो जाया करे हल्की सी, तब उसको वाटरिंग कीजिए। नेट के नीचे रखिए कि मई जून में बहुत तेज़ धूप रहती है, अगर तेज़ धूप में आप इसको बाहर रखेंगे तो जब सारी इसकी लीव्स ख़राब हो जाएंगी, जल जाएंगी, वर्न हो जाएंगी, तो इसको आप नेट के नीचे रखिए, इसको आधा एक घंटे की डेढ़ घंटे की धूप मिल जाए हल्की छन के, तो बहुत ईजिली ये सर्वाइव करेगा। और ऐसी जगह रखिए आप, अगर ऐसी जगह रखेंगे कि रूम हो बंद हो चारों तरफ से, तो नहीं सर्वाइव करेगा। विंडो के पास रखेंगे और बाहर की हल्की गर्म हवा आ रही हो तो ये बहुत अच्छे सर्वाइव करेगा, बस ये ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और इसको समर बहुत पसंद है और रेनी सीजन तो बेहद पसंद है इसको। तो इस तरह से इसको आप अच्छे से अपने घर में ग्रो करिए, और इसको एवर ग्रीन प्लांट है, हमेशा ये ग्रीन बना रहता है और बहुत बुशी बनता है। इसकी कटिंग करते रहिए, एक बॉल की तरह भी बना सकते हैं, और इसकी जो ये लंबी लंबी हो जाती है, बहुत जल्दी बढ़ती हैं ये प्लांट, बहुत जल्दी। अब देखिए मेरी ये पीली पत्तियाँ हो रही थी ना, अब ये पीली पत्तियाँ नहीं होंगी, अब इनको अच्छे से जगह मिलेगी। फिर मैं इनको एक बड़े से 10 इंच के पॉट में एक बार चेंज कर दूँगी, जब ये सेट हो जाएगा इसमें, तो उसके एक महीने बाद मैं इसको बड़े पॉट में चेंज कर दूँगी, जिससे इनको अच्छी सी जगह मिलेगी जहाँ ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह का ख्याल रखिए, उसको लाइट ज़्यादा डार्क लाइट से बचाइए, जिससे ये प्लांट बहुत ईजिली सर्वाइव करेगा। नेट के नीचे रखिए, या ह्यूमिडिटी ऐसी जगह रखिए जहाँ ह्यूमिडिटी और जी भी प्लांट आपके हों, वहाँ इसको रखिए, तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करेगा वहाँ पे। तो इसमें अगर किसी तरह के आपको कीड़े लग रहे हों, तो इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। इसमें छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं, एक दूसरे प्लांट में, वो बहुत महीन प्लांट होते हैं, इसके जो सीड्स निकलते हैं बहुत महीन फ्लावर होते हैं, जब इसमें आएंगे तो मैंने ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने एक दो फ्लावर्स में देखे हुए थे, तो अब मुझे नहीं दिख रहे हैं, अगर अब जब भी आएंगे तो मैं अब उसका अपडेट जरूर डालूंगी, अपने व्यूवर्स को जरूर दिखाऊंगी। इसमें व्हाइट कलर के बहुत महीन फ्लावर होते हैं, खिलते हैं, जो आपको दिखना बहुत छोटे से लेंस से दिखेंगे, बहुत महीन कलर के महीन होते हैं, उसमें आपको दिख सकते हैं। और इसमें वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, आप अंदर मत रखिए, इन्हें इंडोर नहीं रखा जाइए, ये आउटडोर रखिए। हैंगिंग बास्केट बनाइए या आप किसी भी तरह अपने ग्राउंड को कवर करने के लिए बनाइए, ये बहुत अच्छे से वहाँ सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छा प्लांट होता है। तो इस प्लांट को लगाने के लिए बहुत ईजी विधि है, आप अच्छे से लगा सकते हैं। ये बुके में बहुत यूज होता है कि हम लोग बुके में जब तैयार करते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से लगाया जाता है, जिससे ये इतना ग्रीन होता है, इतने खूबसूरत लगते हैं प्लांट, जिससे ये प्लांट आराम से आपके
किसी भी जगह आप रखेंगे इसको अपने गार्डन में, तो वहाँ का लुक बहुत अच्छा बनाएंगे। तो इसको समर में थोड़ा सा इतनी ख्याल रखिएगा, धूप, तेज़ धूप से बचाइए, तेज़ गर्म हवा से बचाइए। इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। हल्की सी 2-1.5 घंटे की धूप लगनी चाहिए। इंडोर अगर रखेंगे तो ऐसी जगह रखिए जहाँ बाहर की हवा लग रही हो अच्छी सी। अगर आपकी लीव्स पीली ज़्यादा पड़ रही हैं, गमला बड़ा है, तो समझ लीजिए आप वाटरिंग वाटरिंग कर रहे हैं। अगर गमला छोटा है, प्लांट बड़ा हो गया, तब लीव्स आपकी पीली पड़ रही हैं, तो समझ जाइए कि आपका गमला, आप बड़े गमले के लिए ज़रूरत है, तो उसको बड़े गमले में शिफ्ट करिए। इसे आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं नॉर्मल सॉइल में। आप इसको इस तरह से भी, इतनी छोटी सी प्लांट लेके भी कटिंग यहाँ से करके, सॉफ्ट कटिंग भी लग सकती है इसकी, हार्ड कटिंग भी लग सकती है। और चाहे आप डिवाइड करके लगाइए इसको, आप एक प्लांट से कई डिवाइड, देखिए मेरा ये प्लांट ऐसे निकले, मैं सब इसी में इस तरह से लगा दूंगी जिसमें ये इसी में अच्छे से लग जाएगा। ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, कम मेंटेनेंस लेता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसकी इस छोटी सी केयर करनी पड़ेगी बस आपको, और ये बहुत अच्छी सी आपको घर में ग्रेनी फ्लाएगा और बहुत बुशी हो जाएगा। इसको आप 1-2 महीने में इसकी कटिंग करते रहेंगे तो और अच्छे से बुशी होता जाएगा और ब्रांची निकलेंगी इसकी। और हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इधर उधर डाउन हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं अपने गार्डन में, अपने बालकनी में या अपने यहाँ टेरेस पे, किसी भी जगह बहुत इजीली सर्वाइव करता है। तो इसके बारे में या इसके अकॉर्डिंग आपको कोई अच्छी जानकारी मालूम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं हमारे पे, और या हमसे कोई जानकारी आपको लेना है तो अभी कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी जवाब दूंगी। और भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद।